तो नमस्कार दोस्तों, मैं जीत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ये अपने YouTube चैनल यूनिक ट्रिक्स एंड टिप्स पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पास में रखा बेल आइकन को जरूर दबाइएगा आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, यूं तो हम लोग ऑनलाइन वेबसाइटों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है कि ऑनलाइन वेबसाइट का भी रिटर्न या फिर रिफंड पॉलिसीज होता है, फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट का भी। इसी बारे में जो है मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जोमेटो का भी जो है अपना रिफंड पॉलिसीज है, जोमेटो का भी अपना एक रिफंड विंग है जहाँ पे अगर फूड में कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप उसका रिपोर्ट जो है करते हो तो आपको सिंपली जो है उसका पैसा जो है बैक मिल सकता है। तो क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले आपको जो है ये वीडियो पूरा का पूरा जो है देखना पड़ेगा। दोस्तों यूँ तो हम लोग सिटी चूज़ करते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट सिटी है, उसके बाद जो है रेस्टोरेंट चूज़ करते हैं और उसके बाद पेमेंट देखते हैं कितना करना पड़ता है, उसके बाद जो है ऑफ़र अप्लाई करते हैं, फूड ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन पैसा दे देते हैं। बट अगर वो फूड ख़राब आया, वो फूड में स्मेल कर रहा है, वो फूड में क्वालिटी का कुछ प्रॉब्लम है, क्वांटिटी का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जो है जोमेटो को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं और जोमेटो जो है आपका पैसा एज पर द बेसिस पूरा का पूरा जो है लौटाने के लिए भी तैयार है। कैसे ये प्रोसीजर करना है आपको, चलिए मैं आज बताता हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले जोमेटो ऐप के अंदर, जहाँ से जो है कंप्लेन आपको लॉन्च करना है। दोस्तों, अगर आपने कुछ जोमेटो में ऑर्डर किए हो तो आपको हिस्ट्री में जाके वो ऑर्डर जो है देख सकते हो। तो मैंने जो है आसनसोल पे यहाँ पे चिकन बिरयानी ऑर्डर किया था, जो कि मुझे काफ़ी कम मिला और काफ़ी घटिया क्वालिटी का भी था। तो मैंने जो है इसका रिपोर्ट जो है जोमेटो को किया था और उसका रेटिंग भी आप देख सकते हो, मैंने जो है एक स्टार रेटिंग दिया है। तो आप रेटिंग दे के भी अपना गुस्सा जो है यहाँ पे बयान कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अकाउंट वाले सेक्शन के ऊपर आना है, उसके बाद जो है चैट विद जोमेटो सपोर्ट इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपको जो है यहाँ पे रिपोर्ट करने का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जोमेटो वाला एक चीज़ कर सकता है, आपको फूड का फोटो जो है भेजने के लिए बोल सकता है, बट उससे पहले आपको जोमेटो को आपका एक्यूरेट प्रॉब्लम क्या है वो बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि फूड का क्वालिटी भी कम था और फूड में जो है काफ़ी कम भी मिला था, तो ये प्रॉब्लम मैंने वहाँ पे बोला था और मैंने कहा था कि मुझे जो है पैसा वापस चाहिए और आपका फूड जो है आप वापस लेके जा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है जोमेटो ने एक फ़ोटो भेजा था कि एज़ पर द एविडेंस आप एक फ़ोटो भेजो, तो मैंने जो है वहाँ से एक फ़ोटो भी भेज दिया था। उसके फ्यू मिनट बाद ही जोमेटो वाला बोले कि फूड आपको वापस देने का कोई दरकार नहीं है, लेकिन हम जो है आपको 65 जोमेटो क्रेडिट दे रहे हैं, आपको जो कम फूड मिला है इसके वजह से, तो आप जो है इसको इस्तेमाल करके नेक्स्ट टाइम जो है हमसे जो है कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों, इस क्रेडिट का इस्तेमाल करके मैं जो है दूसरा कुछ ऑर्डर कर लूँगा बाद में, ठीक है, जब भी मुझे खाने का मन होगा, तो उस टाइम पे भी जो है ऑफ़र वाली प्रोमो कोड भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस मामले में जो मुझे जो है पेमेंट में जोमेटो क्रेडिट से कर सकता हूँ, तो एक चीज़ मुझे फ़ायदा यहाँ पर हो गया कंप्लेन करने का कि जोमेटो ने मुझे जो है कुछ पैसा जो है रिफंड दिया था। मुझे लगभग 100 रुपये पेमेंट करना पड़ा था, जिसके वजह से जो है मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था, बट उन्होंने जो है 65 रुपीज़ मुझे बैक दे दिया, तो मेरा मन जो है काफ़ी खुश हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ चीट हुआ है तो आप जोमेटो को इन्फॉर्म कर सकते हो, जोमेटो आपका ज़रूर हेल्प करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो की रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी सारा इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूनिक ट्रिक्स एंड टिप्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए बाय।